हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन इन प्लांट पादपों में जन्म में आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े कि उसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, पेरेंट केवल में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती, और एकल जनक के शरीर से हमने देखा और कुछ प्रोसेस थे, एकल जनक फूटकर, एकल जनक में स्पोर, एकल जनक में कणिकाएं, ये सब प्रोसेस थे अलैंगिक जनन के, अपने जैसी संतति उत्पन्न करने के। लेकिन जो अगला हमें पढ़ना है यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट की आवश्यकता होगी। यहां मैंने लिखा दोनों जनकों की आवश्यकता, मेल एंड फीमेल बोथ रिक्वायर्ड। और इसमें होता क्या है कि मेल जो होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल का जो मेल गैमेट है स्पर्म कहलाता है और फीमेल का जो फीमेल गैमेट है वो एग कहलाता है, ओव कहलाता है। यहां प्लांट के केस में ये मैंने एक फ्लावर बनाया, और जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाला ऑर्गन है दैट इज फ्लावर, और फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहां येलो कलर का मैंने बनाया, यहां बनाया मैंने, इसे पुंकेसर कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। जो स्टामेन कहलाता है और ये या इसको पूरा हम एंड्रोसियम कहते हैं, और स्त्री केसर को गाइनेसियम कहते हैं। यहां पे मैंने बनाया, इसमें दो पार्ट होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम तंतु कहते हैं, और जो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम पराकोष कहते हैं। इस पराकोष में पॉलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, जो मेल गैमेट्स होते हैं ये पॉलन ग्रेन होते हैं। जब ये मैच्योर होता है कभी आप कोई फूल टच कीजिए तो हाथ में पीला या सफेद या लाल रंग का मटेरियल लग जाता है, वो है पराग। इस पराकोष में परागकण होते हैं और ये मेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये स्त्री केसर है, इसमें जो वर्तिका का हिस्सा, इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, और इस चिपचिपे पदार्थ पे ये जो परागकण है ये आके और गिरता है इस चिपचिपे पदार्थ पे, और यहां ये चिपक जाता है, फिर ये ग्रो करता है, इसमें पॉलन ट्यूब्स बनती है, और ये उन ट्यूब्स के माध्यम से जाके यहां पे अंडाशय में मिल जाता है। इस अंडाशय में मिलने के बाद जब दो गैमेट मिलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां जो गैमेट यहां से और यहां आ रहा है इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। फिर यहां से पॉलन ट्यूब के माध्यम से और यहां तक पहुंचना, और यहां पहुंच के इस फीमेल गैमेट से मेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्मेशन होता है, दोनों मिलके एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम जायगोट कहते हैं, और फिर इस जायगोट से डेवलपमेंट शुरू होता है और बीज बनता है और फल बनता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसके माध्यम से जो बीज बन के निकलता है उस बीज से, उस सीड से हम नए प्लांट को ग्रो करते हैं, यह प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बियरिंग बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज गाइनेशियम। यहां जो एंड्रोसियम है उसमें क्या क्या है, ये स्टामेन है जिसमें पराकोष और तंतु, यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी कहते हैं इसको। यहां से जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का है, पॉलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना ये पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब्स बनती हैं, और ये पॉलन ट्यूब के माध्यम से यहां पे मेल गैमेट का पहुंचना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है वो जायगोट है, जायगोट के माध्यम से डेवलपमेंट के माध्यम से जो प्रोसेस होता है दैट इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, और यही है पूरा टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन। थैंक यू।